दिल्ली की शिक्षा और उत्तर प्रदेश की शिक्षा पर बहस करने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे उत्तर प्रदेश। यह साफ कहा जाता है कि मंत्रियों के चुनौती भरे आमंत्रण को स्वीकार कर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने लखनऊ पहुंचे, परंतु उत्तर प्रदेश पहुंचते ही स्कूल देखे जाने के आरोप में गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई। इन सभी चीजों के बावजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खोली पोल। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल देखने से रोकने की योगी सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने एक सरकारी स्कूल में जाकर दिखाया यूपी का हाल। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने सूचित नहीं, परमिशन नहीं मैं मांगूंगा आपसे। आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं, आप माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप परमिशन देने वाले कोई नहीं होते हैं। मैडम हटाइए। जब चुनाव लड़ने की बात की केजरीवाल जी ने तो बौखला गए और अब गायब है। उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री अच्छी शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को केजरीवाल मॉडल में हुए सारे काम उत्तर प्रदेश में चाहिए। योगी जी के पास एक साल है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक साल थोड़ी मेहनत करके अपने मंत्रियों को लगा के जैसे यहाँ घूमते हैं वैसे काम करवा लीजिए। हो सकता है उत्तर प्रदेश के लोगों को लगे कि कुछ काम कर रहे हैं, नहीं तो अभी आप बड़ी आबादी का बहाना बना रहे हैं। यही बड़ी आबादी अपनी सरकार बदलेगी अगले चुनाव में, यही बड़ी आबादी अब केजरीवाल सरकार लेके आए, केजरीवाल जी के मॉडल पे सरकार लेके आएगी उत्तर प्रदेश में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।